दोस्तों कराची की एक ऐसी जगह जहां आलीशान घर वीरान पड़े हैं, ये लोग कहां चले गए? इस वीडियो में मैं आपको दुनिया भर के ऐसे ही वीरान मकामात दिखाऊंगा जहां कोई नहीं रहता। दोस्तों चिली साउथ अमेरिका में मौजूद एक मुल्क है। यहाँ एक सहरा में एक छोटा सा शहर मौजूद है, पेड्रो डी वाल्डिविया, एक ऐसा टाउन जहाँ अब आपको बस खाली घर और खाली इमारतें मिलेंगी। इस टाउन को 1930 में एक कंपनी ने बनाया था। यहाँ माइनिंग का काम होता था। घर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क, इस जगह हर चीज मौजूद थी। यहाँ इस कंपनी के वर्कर्स अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे, लेकिन जब ये कंपनी बंद हुई तो ये जगह भी बिल्कुल वीरान पड़ गई। लोग अपने घर छोड़कर चले गए और ये टाउन बिल्कुल खाली हो गया। आज भी इस टाउन की बाकियात इस सहरा में मौजूद हैं। यहाँ बस कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं जो इस जगह की हिफाजत करते हैं। अब चलते हैं कनाडा। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक वीरान शहर मौजूद है। इसका नाम किट्सॉल्ट है। कभी इस जगह मिनरल्स की माइनिंग होती थी, लेकिन 1970s में ये माइनिंग बंद हो गई। यहाँ वो लोग रहते थे जो यहाँ काम करते थे, और वो लोग भी ये शहर छोड़कर चले गए। ये शहर आज भी वैसे का वैसा ही है। यहाँ आज भी बिजली आती है और पानी आता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं रहता। हैरतअंगेज बात ये है कि यहाँ घरों में, हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में आज भी सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, जैसे आज भी यहाँ कोई रहता हो। इस जगह एक मॉल भी है और बैंक्स भी हैं, लेकिन यहाँ का हर कोना अब वीरान हो चुका है। इस जगह को एक अमीर बिजनेसमैन ने खरीद लिया था और इसको आज भी वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। दोस्तों अब चलते हैं अमेरिका। अमेरिका की रियासत टेक्सास के देही इलाकों में आपको कई ऐसे टाउन्स मिलेंगे जो बिल्कुल वीरान पड़ चुके हैं। इन छोटे छोटे टाउन से लोग निकलकर शहर की तरफ रहना शुरू हो गए। इन टाउन्स में कहीं कहीं कोई गाड़ी खड़ी मिल जाती है, जैसा कि किसी होटल के सामने, लेकिन यहाँ 90% इमारतें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, क्योंकि इन टाउन्स में लोग अब रहते ही नहीं। इन इलाकों में गुर्बत भी काफी होती थी, तभी शायद लोग बेहतर सहूलियात के लिए इन इलाकों को छोड़कर यहाँ से निकल गए। ये वीरान टाउन्स आज भी पुराने वक्तों की याद दिलाते हैं। दोस्तों अब रुक करते हैं रशिया का। रशिया का एक वीरान टाउन सियावा। ये जगह रशिया के कैपिटल मॉस्को से 700 किलोमीटर दूर है। इंतहाई सर्द इलाका जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। दोस्तों ये टाउन भी बिल्कुल खाली हो चुका है। यहां सिर्फ कुछ घर ही आबाद हैं, यानी कुछ फैमिलीज के अलावा इस पूरे टाउन में अब कोई नहीं रहता। दोस्तों इस इलाके में एक फैक्ट्री लगी हुई थी। इस फैक्ट्री में चारकोल बना करता था, लेकिन 20 साल पहले ये फैक्ट्री बंद हो गई और यहां रहने वाले लोग जो इस फैक्ट्री में काम करते थे वो भी ये जगह छोड़कर चले गए। आज ये इलाका भी बिल्कुल वीरान हो चुका है। 200 बेल्जियम में एक टाउन है डोयल। ये जगह भी अब बिल्कुल वीरान पड़ चुकी है। बेल्जियम की हुकूमत इसके आसपास कंस्ट्रक्शन करना चाहती थी, और तभी यहाँ रहने वाले लोगों को पैसे देकर इनको कहीं और घर दे दिए गए, और ये जगह ऐसा ऐसा वीरान पड़ गई। इस टाउन के सारे घरों को सील कर दिया गया, इसीलिए यहाँ के ज्यादातर घरों में एंटर नहीं हुआ जा सकता। बहरहाल जब आप इस टाउन में एंटर हो तब ऐसा लगता है जैसे इंसान किसी और ही दुनिया में पहुँच गया हो, जहाँ रहने वाले लोग अचानक गायब हो गए हैं। दोस्तों अब चलते हैं हमारे अपने मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में। यहाँ भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ आलीशान घर बने हुए हैं, लेकिन इन घरों में रहने वाले लोग अब यहाँ नहीं रहते। ये घर बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। इस जगह का नाम पारसी कॉलोनी है, सोराब कैटरक पारसी कॉलोनी। ये जगह कराची के इलाके जमशेद टाउन का हिस्सा है। ये सारे घर पारसी कम्युनिटी के हैं जो कभी यहाँ रहा करती थी। 200 खूबसूरत और आलीशान घर 1920s में तामीर किए गए थे। उस दौर में 1000 स्क्वायर यार्ड के 58 प्लॉट्स लेकर उन पर ये तामीर किए गए। पारसी कम्युनिटी उस दौर में कराची में बहुत इन्वेस्ट कर रही थी। इनके पास बहुत दौलत थी, लेकिन दोस्तों 1947 के बाद जब सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई तो कई पारसी लोग दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो गए और ये आलीशान घर बिल्कुल वीरान पड़ गए। आज भी इन घरों के बाहर इनके मालकान के नाम लिखे हुए हैं, जो इस जगह की माजी की याद दिलाते हैं। दोस्तों अब जापान की तरफ चलते हैं। जापान में एक रिजॉर्ट है किनोगावा ऑनसेन। ये एक शहर की तरह है। कभी ये जगह लोगों से भरी हुई होती थी, एक ऐसी जगह जहां लोग छुट्टियां गुजारने के लिए आते थे, लेकिन अब ये खूबसूरत रिजॉर्ट बिल्कुल वीरान पड़ चुका है। खूबसूरत इमारतें, 5-4 होटल्स, सब कुछ बिल्कुल खाली। दोस्तों 1990s में जापान की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में चली गई थी। इनकी स्टॉक मार्केटिंग भी क्रैश कर गई, और तभी इस जगह टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया। आज भी यहाँ इमारतों में फर्नीचर वगैरह मौजूद है, लेकिन लोग नहीं हैं। जापान की हुकूमत इस जगह का आज भी ख्याल रखती है।
दोस्तों आखिर में अब तुर्की चलते हैं, जहां एक अजीब जगह मौजूद है। यहां तकरीबन 700 घर बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। इनको डिज्नी कासल्स कहते हैं। ये सारे घर एक जैसे हैं। ब्लैक सी के करीब मौजूद ये टाउन बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि इन घरों को बनाने वाली कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। ये कंपनी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल ही नहीं कर सकी। इन घरों को बहुत महंगी कीमत पर बेचा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इन घरों को बनाने वाली कंपनी का नाम सैरट प्रॉपर्टीज ग्रुप था। इन घरों की कंस्ट्रक्शन 2014 में शुरू हुई थी, लेकिन इस कंपनी के बैंकरप्ट होने की वजह से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। आज ये जगह भी बिल्कुल वीरान पड़ चुकी है। दोस्तों इनमें से आपको कौन सी जगह पसंद आई हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी मजीद मालूमाती इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज विद एमआर को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।